ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की इस लेक्चर सीरीज में आज हम चैप्टर 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 5 लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है और चैप्टर 5 सेक्शन 105 से लेकर के 117 तक लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के प्रोविजंस को होल्ड करता है। इस वीडियो में आज हम पर्टिकुलरली सेक्शन 105 जो कि लीज को डिफाइन करता है उसे समझेंगे विद नो नोट्स। एग्जाम में लॉन्ग आंसर्स में कई बार ये पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय लीज, तो एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर यू। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। लीज को हिंदी में पट्टा कहते हैं। ठीक है, लीज को अगर हम एकदम सिंपल वर्ड्स में समझें तो इसका मतलब है कि एक लीगल अग्रीमेंट जो अलाउ करता है एक पर्सन को कि वो किसी दूसरे पर्सन का इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज कर सके एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए और उसके बदले में वो उसे अमाउंट पे करे। दिस इज कॉल्ड एज लीज इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं लीज क्या है। मान लो ए ही इज द ओनर ऑफ फील्ड, ए इस फील्ड का ओनर है, बट ड्यू टू सम रीजंस, इसके कुछ रीजंस हैं जिनके वजह से वो इस फील्ड पर फार्मिंग नहीं कर सकता है। अब कई सारे रीजंस हो सकते हैं, मे बी ए फार्मिंग करना जानता ही नहीं हो या ये किसी जॉब में हो, तो ये क्या करता है ए ओनर ऑफ द फील्ड, ये अपने लैंड को बी को देता है, गिव्स हिज लैंड टू बी फॉर 5 years, 5 सालों के लिए फॉर फार्मिंग पर्पस। किस पर्पस के लिए? फार्मिंग के पर्पस के लिए। और बी इन रिटर्न, इसके रिटर्न में रिवॉर्ड पे करता है ए को। ठीक है, तो तीन बातें। एक पर्सन जो अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को ताकि वो पर्सन इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का यूज करे और उसके बदले में उसे कुछ अमाउंट पे करे। तो पर्सन ट्रांसफरिंग हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी उसे हम ट्रांसफरर कहते हैं। और जब हम लीज के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसे हम लेसर कहेंगे, लेसर ट्रांसफर। सिमिलैरिटीज देखो, ठीक है, तो लेसर इज ट्रांसफरर हु ट्रांसफर्स हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन। अब लीज में देखो, लीज में ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता है, सेल में ओनरशिप का ट्रांसफर होता है, मॉर्गेज में इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है, लेकिन लीज में राइट का ट्रांसफर होता है, राइट ऑफ एंजॉयमेंट या राइट ऑफ यूज का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो लीज में देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनली राइट ऑफ एंजॉयमेंट इज ट्रांसफर्ड बाय ट्रांसफरर। बी ए के इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी बी इज एक्सेप्टिंग द राइट
ऑफ एंजॉयमेंट ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, बी ट्रांसफरी है और लीज के टर्म में ये लेजी है, ठीक। अब बी क्योंकि ए का इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज कर रहा है तो इसके बदले में वो कुछ ना कुछ कॉन्सिडरेशन पे करेगा। नाउ ये जो रिवॉर्ड पे करेगा बी ए को, ये कई सारे फॉर्म में हो सकते हैं जिन्हें अभी हम समझेंगे, राइट। तो ये है लीज, क्लियर है। अब देखो अगर हम बेयर एक्ट कैसे लीज को डिफाइन करता है उसे समझें, तो देखो कहता है लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स, क्या मतलब है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसे सिंप्लीफाइड किया गया है आपके कन्वीनियंस के लिए। तो लीज मीन्स ट्रांसफर ऑफ राइट, राइट का ट्रांसफर, ठीक है। दूसरा फॉर सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन पीरियड के लिए और इन परपेचुइटी, यानी लीज में राइट ऑफ एंजॉयमेंट ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है एक सर्टेन पीरियड के लिए, यानी ड्यूरेशन में भी फिक्स्ड, हमने ड्यूरेशन फिक्स कर दिया है किस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए ही आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का यूज करोगे और इन परपेचुइटी मतलब ड्यूरेशन ऑफ यूज इज नॉट डिटरमाइंड, ठीक है। इट इज ट्रांसफर ऑफ राइट फॉर सर्टेन पीरियड और इन परपेचुइटी मतलब पीरियड नॉट फिक्स्ड, एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड, यानी बाय वर्ड्स और इन राइटिंग और बाय एक्ट, ठीक है। तो एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली हमने राइट का ट्रांसफर किया है सर्टेन पीरियड के लिए या परपेचुइटी में इन कंसिडरेशन ऑफ, किसके कंसिडरेशन में, देखो अब यहां पे चार फॉर्म्स के बारे में बात किया गया। पहला कहता है प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड, इन कंसिडरेशन ऑफ प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड। दूसरा मनी, तीसरा शेयर ऑफ क्रॉप्स, या चौथा सर्विस और अदर वैल्यूएबल थिंग्स। दिस इज कॉल्ड एज लीज एज पर योर बेयर एक्ट। यानी अगर इसे हम और सिंप्लीफाइड करें तो हम ये कह सकते हैं कि लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है राइट का ट्रांसफर होना, राइट ऑफ एंजॉयमेंट ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना सर्टेन पीरियड के लिए जिसमें पीरियड ऑफ यूज फिक्स्ड है, या परपेचुइटी में वेयर द पीरियड फॉर यूज इज नॉट डिटरमाइंड, एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली यानी बाय वर्ड्स और बाय एक्ट, इन कंसिडरेशन ऑफ, किसके कंसिडरेशन में, प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड, मनी, शेयर ऑफ क्रॉप्स, सर्विस और अदर वैल्यूएबल थिंग्स, क्लियर है। अब जब हम प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां प्राइस का मतलब है प्रीमियम, प्रीमियम मीन्स एंटायर पेमेंट इन वन इंस्टॉलमेंट। आपने ए का इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ए लीज लिया तो उसके बदले में जो आपने प्राइस पे किया एक ही बार, दिस इज कॉल्ड एज प्रीमियम। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रीमियम कहेंगे। तो प्रीमियम इज प्राइस पेड फॉर ऑब्टेनिंग लीज। नाउ प्रीमियम कैन बी गिवन बिफोर टेकिंग लीज और आफ्टर टेकिंग लीज, यानी लीज को लेने से पहले आप
एक मुश्त में पेमेंट अगर कर दे रहे हो तो वो भी ठीक है, या लीज लेने के बाद आप एक मुश्त में पेमेंट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज प्रीमियम। प्रीमियम मीन्स वन टाइम पेमेंट, लम सम पेमेंट फॉर टेकिंग लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर है? चलिए अब जब हम पैरा टू ऑफ सेक्शन 105 को पढ़ेंगे तो यहां लीज से रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिफाइन किया गया है, जैसे लीजर कौन है, लीजी कौन है, प्रीमियम क्या होता है एंड व्हाट इज रेंट। चलो लेजर, लेजर मींस ट्रांसफर, जो कि अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है। यहां पे ए इज ट्रांसफर, राइट, हु ट्रांसफर्स हिज लैंड टू बी, तो ए कौन है, लेजर हुआ। ठीक है, लेजी कौन है, लेजी ट्रांसफरी, जो कि ट्रांसफर को एक्सेप्ट करता है, या हु ट्रांसफर्स हु एक्सेप्ट द राइट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट ऑफ एंजॉयमेंट को एक्सेप्ट करता है उसे हम ट्रांसफरी कहते हैं, या उसे हम लेजी कहते हैं। प्रीमियम, व्हाट इज प्रीमियम, प्राइस पेड वन टाइम फॉर ऑब्टेनिंग लीज इज कॉल्ड प्रीमियम। ठीक है, अब रेंट क्या है, देखो रेंट मींस मनी, शेयर ऑफ क्रॉप्स, सर्विस और अदर वैल्यूएबल थिंग्स। देखो प्रीमियम में वन टाइम पेमेंट होता है, जबकि रेंट में पीरियोडिकल पेमेंट होता है, राइट, कई सारे इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट होता है रेंट में, इट मे बी मंथली और इट मे बी क्वार्टरली डिपेंडिंग अपॉन द अग्रीमेंट। ठीक है, तो रेंट में मनी, शेयर ऑफ क्रॉप्स, सर्विस और अदर वैल्यूएबल थिंग्स आ जाते हैं। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ रेंट, सॉरी व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लीज, लीज के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स। देखो पहला कह रहा है पार्टीज, तो दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक लेजर और दूसरा लेजी। सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीज, लीज का सब्जेक्ट मैटर क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लीज में ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। ड्यूरेशन ऑफ एंजॉयमेंट सर्टेन पीरियड के लिए हो सकता है, या परपेचुटी में, पीरियड नॉट डिटरमाइंड। और कंसिडरेशन या तो प्रीमियम में हो सकता है या तो रेंट में हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि सेक्शन 105 आपको सिंपल वर्ड्स में समझ में आ गया। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। थैंक यू। सेक्शन 105 जो कि लीज को डिफाइन करता है, उसे पढ़ते समय हमने ये जाना कि जो लीज है उसका क्रिएशन केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही होता है, और लीज का जो ड्यूरेशन है इट मे बी क्रिएटेड फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या इन परपेचुइटी। मतलब जो लीज का ड्यूरेशन है वो डिपेंडिंग अपॉन द अग्रीमेंट एक सर्टेन पीरियड के लिए फिक्स किया जा सकता है, या पीरियड मे नॉट बी मेंशन्ड। इस वीडियो में हम सेक्शन 106 एंड 107 को समझेंगे। सेक्शन 106 लीज के
ड्यूरेशन के बारे में प्रोविजंस होल्ड करता है। आइए समझते हैं। सेक्शन 106 कहता है ड्यूरेशन ऑफ सर्टेन लीजेस इन एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट कस्टम और लोकल यूसेज। यानी देखो जो हमारा लीज है उसका ड्यूरेशन क्या होगा, अगर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू लीज कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही पार्टीज मतलब लेजर और लेजी ने लीज के ड्यूरेशन को मेंशन कर दिया है तब तो वही लीज का ड्यूरेशन एप्लीकेबल होगा। तो एक बात ये। दूसरा, कभी कभी जो लीज होता है उसका ड्यूरेशन लोकल यूसेज पे डिपेंड होता है। यानी ड्यूरेशन ऑफ सर्टेन लीजेस इज डिटरमाइंड बाय लोकल यूसेज और कस्टम। ठीक है, तो सेक्शन 106 कह रहा है कि मान लो जो लीज है उसका ड्यूरेशन उसका टाइम पीरियड ना तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है ना ही कस्टम में डिफाइन है या ना ही लोकल यूसेज के द्वारा उसके ड्यूरेशन को मेंशन किया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। अब यहां पे दो कंडीशन डाला गया है। फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज टू बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग पर्पस। मान लो आपका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है लीज के तहत उसका यूज अगर लीजी एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए करता है राइट और इसका जो ड्यूरेशन है इट इज नॉट मेंशन्ड इन रिटन कॉन्ट्रैक्ट कस्टम और लोकल यूसेज, तो हम ये मान के चलेंगे। कह रहा है देखो लीज शैल बी डीम्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। यानी उस समय हम ये मानेंगे कि इसका जो ड्यूरेशन है वो एक साल तक का है और एक साल के बाद भी अगर दोनों पार्टीज अपने कंसेंट से लीज अग्रीमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसे रिन्यू कर देंगे राइट। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है लीज के तहत जिसका यूज एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए किया जा रहा है तो लीज का जो पीरियड होगा वो एक साल का होगा। ठीक है, आगे कह रहा है फॉर टर्मिनेशन आइदर ऑन द पार्ट ऑफ लेजर और लेजी। अब हमने जाना कि लीज में दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक लेजर और दूसरा लीजी। तो कह रहे हैं दोनों ही पार्टीज में से कोई भी पार्टी अगर इस लीज अग्रीमेंट को टर्मिनेट करना चाहती है, इस केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज टू बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, तो जो पार्टी अग्रीमेंट को टर्मिनेट करना चाह रही है उसे नोटिस देना होगा 6 months प्रायर टू रेसेंट द लीज अग्रीमेंट। यानी आपको लीज अग्रीमेंट को रेसेंट करने से 6 महीने पहले नोटिस देना होगा अदर पार्टी को। ठीक है, इनकेस लेजर अगर इस अग्रीमेंट को टर्मिनेट करना चाह रहा है तो उसे लेजी के पास 6 महीने पहले नोटिस देना होगा रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, अब कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे जो भी पार्टी इस अग्रीमेंट को लीज अग्रीमेंट को या कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंट
करना चाहती है तो उसे इन रिटन फॉर्म नोटिस सर्व करना होगा दूसरे पार्टी को, राइट। दूसरा रिक्वायरमेंट, अगर लेजर नोटिस दे रहा है रिगार्डिंग टर्मिनेशन, या सपोज लेजी चाह रहा है कि ये जो अग्रीमेंट है वो टर्मिनेट हो जाए, इट मस्ट बी ड्यूली साइंड बाय द पार्टी हु इज गोइंग टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, साइन होना चाहिए। तीसरा, प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू सेंड नोटिस वाया पोस्ट। सबसे पहले हमें ये प्रायोरिटी देना है कि हम नोटिस को वाया पोस्ट सेंड करें अदर पार्टी को, ठीक है। अब इन केस बाय पोस्ट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो जो पार्टी टर्मिनेट करना चाह रही है कॉन्ट्रैक्ट को, उसे पर्सनली सेंड करना है अदर पार्टी। अब देखो, इन केस मान लो लेजर अग्रीमेंट को टर्मिनेट करना चाह रही है, बाय पोस्ट पॉसिबल नहीं है तो वो पर्सनली जाएगा लेजर लेजी के पास नोटिस लेकर के। इन केस इफ लेजी इज नॉट अवेलेबल एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पे लेजी इज नॉट अवेलेबल, तो लेजर इस नोटिस को लेजी के किसी फैमिली मेंबर को ले जाके डिलीवर कर सकता है। इन केस अगर लेजी के फैमिली मेंबर्स भी नहीं अवेलेबल है तो नोटिस में भी सर्व टू द सर्वेंट ऑफ लेजी, लेजी के सर्वेंट को दिया जा सकता है। अब ये भी सिचुएशन हो सकता है कि उस मोमेंट पे ना तो लेजी अवेलेबल है, ना तो उसके कोई भी फैमिली मेंबर्स अवेलेबल है, ना ही सर्वेंट अवेलेबल है। तो वैसे सिचुएशन में लेजर को इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि लीज पर है उसके विजिबल पार्ट पर नोटिस को अफिक्स करना होगा। नोटिस मस्ट बी अफिक्स्ड ऑन द ऑस्पिशियस पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और यही प्रोसेस लागू होता है लीजी पे भी। अगर लीजी इस डील को, इस लीज अग्रीमेंट को टर्मिनेट करना चाह रहा है तो सेम प्रोसेस उसे भी फॉलो करना होगा। क्लियर है? ओके, तो पहला कंडीशन क्या है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, तो जो ड्यूरेशन होगा लीज का वो एक साल का होगा। अगर आप टर्मिनेट करना चाह रहे हो तो आपको 6 months प्रायर नोटिस मस्ट बी गिवन टू अदर पार्टी। दूसरा कंडीशन कह रहे हैं लीज फॉर अदर पर्पस, यानी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसे लीज की तरह रखा गया है, अगर उसका यूज ना तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो रहा है अंडर लीज अग्रीमेंट, ना ही एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है, यानी इन दोनों पर्पस के अलावा यूज किया जा रहा है लीज अग्रीमेंट के तहत उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो जो लीज का ड्यूरेशन होगा वो 1 महीना माना जाएगा। और अगर कोई पार्टी टर्मिनेट करना चाहती है लीज अग्रीमेंट को तो 15 डेज प्रायर नोटिस मस्ट बी सर्व टू अदर पार्टी। क्लियर है? आई होप कि एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में सेक्शन 106 आपको समझ में आ गया। अब हम सेक्शन 107 को पढ़ेंगे जो कि कहता है लीज हाउ मेड, लीज कैसे होगा। सेक्शन 107 कहता है लीज हाउ मेड,
यानी लीज कैसे होंगे, किस प्रकार से लीज बनेंगे, आइए समझते हैं। कंडीशन वन है, इफ लीज इज मेड फॉर वन ईयर, मान लो लीज एक साल के लिए क्रिएट किया गया है, या मोर देन वन ईयर, तो ड्यूरेशन अगर लीज का वन ईयर है या मोर देन वन ईयर है या ईयरली रेंट है। लीज क्या है, लीज ईयरली रेंट पे बेस्ड है। तो इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में लीज मस्ट बी मेड बाई रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, यानी लीज रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के तहत बनाया जाएगा, एंड शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय बोथ पार्टीज, और दोनों पार्टीज के द्वारा एग्जीक्यूशन होगा लीज का। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी जिन दो पार्टीज के बीच लीज अग्रीमेंट हो रहा है और उसका ड्यूरेशन एक साल का है या उससे ज्यादा है या ईयरली रेंट के कैटेगरी का लीज है, तो वो प्रिपेयर होगा रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के तहत, मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय बोथ पार्टीज, और बोथ पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ओके, यानी मेजर होने चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, यानी पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी रिक्वायरमेंट है, जो कि पार्टीज के कॉम्पिटेंसी को बताती है, वो सभी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होने चाहिए, ठीक। अब देखो दूसरा कंडीशन है, ऑल अदर्स, यानी एक्सेप्ट वन ईयर, मोर देन वन ईयर और ईयरली रेंट अगर कोई लीज है, विच इज लेस देन वन ईयर, जिसका ड्यूरेशन एक साल से कम है, तो उसका जो क्रिएशन है आइदर बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है, या ओरल अग्रीमेंट के तहत हो सकता है, यूजुअली accompanied by delivery of possession of immovable property, यानी जो लीज का ड्यूरेशन है वो एक साल से कम का है, ठीक है, तो उसमें क्या है, वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के तहत बनाया जा सकता है या by oral agreement, और usually delivery of possession होगा इनमूवेबल प्रॉपर्टी का, क्लियर। अब चाहे एक इंस्ट्रूमेंट है लीज का या एक से ज्यादा लीज इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय बोथ दी पार्टीज, दोनों ही पार्टीज के द्वारा एग्जीक्यूशन होगा, अगर एक लीज अग्रीमेंट है तो भी, अगर एक से ज्यादा लीज अग्रीमेंट है तो भी दोनों ही पार्टीज के द्वारा उन लीज अग्रीमेंट का, इंस्ट्रूमेंट का एग्जीक्यूशन होना है। आगे प्रोविजो में कहता है, लीज इज अदर देन ईयरली, यानी लेस देन वन ईयर के ड्यूरेशन वाले लीजेस के बारे में ये प्रोविजो कहता है, leases other than yearly may be made by unregistered instrument, वो unregistered instrument के तहत बनाए जा सकते हैं, अगर lease का duration एक साल से कम है तो, या वो oral agreement के तहत भी बनाए जा सकते हैं, and if government declared there is no need of delivery of possession, और मान गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे रही है अपने ऑफिशियल गैजेट में कि जो भी लीजेस हैं जिनका ड्यूरेशन एक साल से कम का है वो अनरज
रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के तहत बनाए जाएंगे या ओरल अग्रीमेंट के तहत बनाए जाएंगे, या मान लो गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में कहती है कि ऐसे लीजेज में देयर इज नो नीड ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजेशन, तो ये जो रिक्वायरमेंट है जो कि कहता है कि ऑल अदर्स एक्सेप्ट वन ईयर ऑफ लीजेस आइदर मेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट और बाय ओरल अग्रीमेंट, और आगे कहता है यूजुअली एकॉम्पनीड बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गैजेट में, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गैजेट में डिलीवरी ऑफ पोजेशन के रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया है तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि सेक्शन 106 एंड 107 एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये कोशिश आपको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। थैंक यू। सेक्शन 105 में लीज को पढ़ते समय हमने ये जाना कि लीज में राइट ऑफ एंजॉयमेंट का ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। लीज में दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक लेजर और दूसरा लेजी। सेक्शन 105, 106 और 107 को हमने इस वीडियो में कवर किया है विद प्रॉपर नोट्स एंड एग्जांपल्स। तो अगर आप वीडियो में नए हो तो इस वीडियो को पहले देख लो, तब ये जो सेक्शन है 108 वो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक बने रहो। इस वीडियो में हम सेक्शन 108 को कवर करेंगे जो कि राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेजर एंड लेजी को डिस्क्लोज करता है। हम जानते हैं कि लीज के तहत दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक लेजर और दूसरा लेजी। अगर दोनों पार्टीज के बीच कोई रिटन अग्रीमेंट नहीं है जो कि उनके राइट्स एंड लाइबिलिटीज को डिस्क्लोज करता हो, और इफ देयर इज नो लोकल यूसेज कि दोनों पार्टीज का राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होगा एज पर लोकल यूसेज, तो वैसे कंडीशन में सेक्शन 108 में मेंशन राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेजर एंड लेजी विल बिकम एप्लीकेबल, वही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इन एब्सेंस ऑफ एनी रिटन अग्रीमेंट, अगर कोई रिटन अग्रीमेंट नहीं है, कोई लोकल यूसेज नहीं है, तो राइट्स एंड लाइबिलिटीज विच हैव बीन मेंशन्ड इन सेक्शन 108 वो क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ लीज को भी पढ़ते समय हमने जाना था कि कुछ लीजेस के केसेस में उनका ड्यूरेशन क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, वो लोकल यूसेज और कस्टम निर्धारित करते थे। सेम उसी एस्पेक्ट को अगर हम यहां फॉलो करें तो अगर दो पार्टीज के राइट्स एंड लाइबिलिटीज मेंशन नहीं करे गए हैं एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू लीज अग्रीमेंट और कोई लोकल यूसेज या कस्टम भी नहीं है जो उनके राइट्स एंड लाइबिलिटीज को मेंशन करे, तो वैसे कंडीशन में सेक्शन 108 के तहत जो भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज दिया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट
1882 में वही उन पर एप्लीकेबल होगा। आई होप कि बैकग्राउंड आप समझ गए होंगे। अब सेक्शन 105 जहां लीज को डिफाइन करता है, वही सेक्शन 108 लीज में जिन दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है उनके राइट्स एंड लायबिलिटीज को मेंशन किया गया। सेक्शन 108 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। क्लियर? पार्ट ए में लेजर के राइट्स एंड लायबिलिटीज को बताया गया है, वहीं पार्ट बी में लेजी के राइट्स एंड लायबिलिटीज को बताया गया है। हालांकि पार्ट ए जो कि राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ लेजर के बारे में बात करता है, जहां केवल लेजर के लायबिलिटीज को मेंशन किया गया है, ओनली लायबिलिटीज ऑफ लेजर हैव बीन मेंशन इन पार्ट ए ऑफ सेक्शन 108। आप अपने अंडरस्टैंडिंग से लेजर के राइट्स को जान सकते हो। कैसे? पार्ट बी में लेजी के जो भी लायबिलिटीज हैं वो क्या होंगे? लेजर के राइट्स हो जाएंगे। क्लियर है? ओके। तो पार्ट बी में लेजी के राइट्स और लायबिलिटीज दोनों को बताया गया है, और लेजी का जो लायबिलिटीज है वही लेजर का राइट्स हो जाएगा। क्लियर है? अब तो यहां नोट में आप वही बात लिखोगे कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लोकल यूसेज नहीं है जो कि राइट्स एंड लायबिलिटीज को डिस्क्लोज करता हो, तो वैसे कंडीशन में सेक्शन 108 में मेंशन जो भी राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो एप्लीकेबल होंगे। इसमें आप हाईलाइट कर सकते हो ताकि एग्जामिनर का जो फोकस पॉइंट है वो इस चीज पे पहले पड़े। ऑलराइट? ओके। आइए अब हम पार्ट ए में लेजर के जो भी लायबिलिटीज हैं उन्हें समझते हैं, एकदम सिंप्लीफाइड करके यहां पर लिखा गया है। तो अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। देखो यहां तीन क्लॉजेस हैं, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। क्लॉज ए सेक्शन 108 पार्ट 1। ऑलराइट? देखो ये क्या है, बेसिकली लायबिलिटीज हैं किसके? लेजर के। देखो लेजर इज बाउंड टू डिस्क्लोज एनी मटेरियल डिफेक्ट टू लेजी विच कैनॉट बी इजिली डिस्कवरेबल बाय हिम और बाय एनी अदर पर्सन। सबसे पहला जो लायबिलिटी है लेजर का वो ये है कि अगर उसके इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई मटेरियल डिफेक्ट है जो आसानी से डिस्कवर नहीं किया जा सकता है लेजी या दूसरे पर्सन के द्वारा, तो ये लायबिलिटी है लेजर का कि वो उस मटेरियल डिफेक्ट को लेजी के सामने डिस्क्लोज करे। क्लियर? दूसरा लायबिलिटी क्या है लेजर का? लेजर is bound to deliver the possession of lease property at the request of lessee. Lessor bound है lease agreement के तहत जिस दिन immovable property का possession deliver होना है lessee के पास, अगर lessee request करता है तो lessor is bound to immediately transfer the possession of immovable property to lessee. Hope so clear हो गया होगा। अब देखो तीसरा क्या है, clause C, lessor should not interrupt lessee regarding how to use lease property. A
जो लेजर है उसे इंटरप्ट नहीं करना है लेजी को, उसे बार बार ये नहीं करना है कि आपको कैसे इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का यूज करना है। यहां पे जो राइट ऑफ टेकिंग यूसेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी से लेजी कैसे यूज में ला सकता है, किस तरह से वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का यूज करेगा, वो टोटली लेजी के विल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्लियर? और ये जो सिनेरियो है कि लेजर इंटरप्ट नहीं करेगा, जो लेजी है वो जैसे मन करे वैसे प्रॉपर्टी को यूज में लाएगा, ये तभी तक एप्लीकेबल है जब लेजी अपने एंड से सही तरीके से लीज एग्रीमेंट का एग्जीक्यूशन करता हो, यानी प्रॉपरली वो रेंट का पेमेंट करता हो, लीज के टर्म्स एंड कंडीशंस को वो ब्रीच ना करता हो। अगर वो अपने एंड से सही है तो लेजर कभी भी इंटरप्ट नहीं करेगा कि तुम्हें इस डायरेक्शन में ही लीज प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो ये लेजी का राइट है कि वो पीसफुल एंजॉयमेंट कर सकता है ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऑलराइट, तो ये तीन लाइबिलिटीज हैं किसके, लेजर के। पहला लाइबिलिटी टू डिस्क्लोज मटेरियल डिफेक्ट, दूसरा टू डिलीवर द पोजेशन इमीडिएटली एट द रिक्वेस्ट ऑफ लेजी, और तीसरा शुड नॉट इंटरप्ट। ऑलराइट, तो ये तीन लाइबिलिटीज हैं। तो आइए अब हम लेजी के राइट्स एंड लाइबिलिटीज को समझते हैं, जिसे सेक्शन 108 के पार्ट बी में दिया गया है। क्लॉज डी कहता है राइट्स को बताते हुए, सबसे पहले हम लेजी के राइट्स को समझेंगे, जो स्टार्ट होता है सेक्शन 108 के क्लॉज डी से लेकर के क्लॉज जे तक। सेक्शन 108 के क्लॉज ए बी एंड सी में हमने लेजर के लाइबिलिटीज को देखा। अब हम लेजी के राइट्स को जानेंगे फ्रॉम क्लॉज डी टू क्लॉज जे। क्लियर? पहला राइट है क्लॉज डी में राइट टू एक्सेशन। देखो एक्सेशन का मतलब है इफ द प्रॉपर्टी हैज गॉन इन द पोजीशन ऑफ लेजी एंड लेजी स्टार्टेड यूजिंग इट। मान लो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी लीज के तहत था वो लेजी के पोजीशन में चला गया है और लेजी ने उसका यूज करना शुरू कर दिया है। आगे कहता है बट बाय एनी नेचुरल एक्ट, किसी नेचुरल एक्ट के चलते या किसी ह्यूमन एक्ट के चलते, इफ देयर इज इंक्रीज इन बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लीज प्रॉपर्टी, लेजी विल एंजॉय द एक्स्ट्रा बेनिफिट टिल द एग्रीमेंट। यानी मान लो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट अराइज हो रहा था, अगर उस बेनिफिट में इंक्रीज होता है, इफ देयर इज इंक्रीज इन द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या तो नेचुरल एक्ट के वजह से, एग्जांपल के लिए मान लो ये लीज प्रॉपर्टी था जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जा रहा था, ठीक है, इसमें किसी क्रॉप का प्रोडक्शन किया जा रहा था। अब मान लो किसी साल ज्यादा बारिश हो जाती है तो प्रोडक्शन जो है वो बूस्ट कर जाता है, तो जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट अराइज होगा राइट टू एक्सेशन के तहत
वो किसको जाएगा, वो लेजी को जाएगा, यही है राइट टू एक्सेशन। एक्सेशन एक्सेस वर्ड से बना हुआ है, एक्सेस मीन्स मोर, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि राइट टू एक्सेशन में हमें क्या चीज लिखना है, ऑलराइट, ऑल द एक्स्ट्रा बेनिफिट इफ अराइजिंग ड्यू टू ह्यूमन एक्ट या बाय नेचुरल एक्ट, वो किसको जाएगा, वो लेजी को जाएगा। क्लियर? तब तक जाएगा, देखो जब तक अग्रीमेंट है तब तक एक्स्ट्रा बेनिफिट लेजी लेता रहेगा, और जैसे ही अग्रीमेंट खत्म होता है, लीज अग्रीमेंट कंप्लीट होता है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कौन लेगा, अगेन लेजर स्टार्ट टेकिंग द एक्स्ट्रा बेनिफिट। क्लियर? क्लॉज ई कहता है लेजी के राइट्स को बताते हुए, राइट टू अवॉइड नेग्लेक्ट और टर्मिनेट द लीज अग्रीमेंट। जो लेजी है वो अग्रीमेंट को नेग्लेक्ट कर सकता है या टर्मिनेट कर सकता है। तब अगर लीज प्रॉपर्टी इफ डिस्ट्रॉय, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है लीज प्रॉपर्टी किसी भी रीजन से, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मे बी मान लो फायर या फ्लड या मॉब या वॉयलेशन ऑफ आर्मी, विदाउट डिफॉल्ट ऑफ लेजी, बिना लेजी के किसी मिस्टेक से, तो बिना लेजी के मिस्टेक के अगर लीज प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और यहां रीजंस लिखा गया है फायर फ्लड मॉब वॉयलेशन ऑफ आर्मी, और पर्पज ऑफ लीज जो है वो अभी भी फुलफिल नहीं हुआ है, तो जो लेजी है वो लीज अग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, उसे खत्म कर सकती है। क्लियर? आगे कह रहा है, यदि ओनली अ सर्टेन पार्ट ऑफ लीज प्रॉपर्टी, अगर लीज प्रॉपर्टी का केवल एक हिस्सा डिस्ट्रॉय हुआ है, राइट, तो दैट पर्टिकुलर पार्ट, तो वो जो पर्टिकुलर पार्ट है अगर अनफिट हो गया है फॉर लीज पर्पज, लीज पर्पज के लिए, तो उस पर्टिकुलर अनफिट पार्ट को लेजी वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एकदम सिंपल वर्ड्स में यहां पर लिखने की कोशिश की गई है, आप ऐसे ही एग्जाम में लिखोगे। क्लियर? अब देखो क्लॉज एफ, राइट टू डिडक्ट रिपेयर कॉस्ट, यानी देखो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका जो भी रिपेयर कॉस्ट आएगा उसे बियर करना होता है लेजर को। लेकिन मान लो लेजर इग्नोरेंस कर रहा है, he is not making the payment, लेकिन रिपेयर कॉस्ट को बियर करना जरूरी है फॉर प्रॉपर यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो लेजी जो है वो उस रिपेयर कॉस्ट को बियर कर सकता है, और जो भी रेंट अमाउंट वो पे करेगा उसमें से उस रिपेयर कॉस्ट को वो डिडक्ट कर सकता है। क्लियर? तो राइट टू डिडक्ट रिपेयर कॉस्ट। क्लॉज जी कहता है राइट टू डिडक्ट आउटगोइंग्स। मान लो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पे कोई म्यूनिसिपल टैक्सेस ड्यू है या कोई अदर चार्जेस है, तो इनका पेमेंट करने की जिम्मेदारी लेजर की है। अगेन अगर लेजर लापरवाही कर रहा है, इज नॉट मेकिंग द पेमेंट, तो लेजी इन आउटगोइंग्स का पेमेंट करेगा और रेंट अमाउंट से डिडक्ट कर सकता है। क्लियर? क्लॉज एच, राइट टू रिमूव फिक्स्चर्स। मान लो लीजी ड्यूरिंग द लीज अग्रीमेंट, लीज अग्रीमेंट के समय या उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज करते समय उसने कोई चीज अटैच किया उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, सपोज कोई ट्री लगाया या कोई टेम्पोररी वॉल क्रिएट किया, तो आगे कह रहा है ही कैन रिमूव दीज थिंग्स, वो इन फिक्स्चर्स को रिमूव कर सकता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लीज अग्रीमेंट। ठीक है, तो लीज अग्रीमेंट अगर खत्म हो जा रहा है तो उसने अगर कोई चीज उस
लीज प्रॉपर्टी पर अटैच किया है कोई वॉल या कोई ट्री तो उसे वो रिमूव कर सकता है, ठीक है। और आगे कह रहा है राइट टू रिमूव क्रॉप्स। मान लो जो लीज है वो अनसर्टेन पीरियड का है, ठीक है, और मान लो एक्सेप्ट द फॉल्ट ऑफ लेजी, अगर लेजी का कोई फॉल्ट नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, और जो लीज अग्रीमेंट का पर्पस है वो भी फुलफिल नहीं है, तो लेजी ने जो भी क्रॉप्स प्लांट कर रखा है वो किसको जाएंगे, भले ही लीज अग्रीमेंट कंप्लीट हुआ है, क्योंकि पीरियड क्या है, पीरियड अनसर्टेन है, तो लीज अग्रीमेंट कभी भी कंप्लीट हो सकता है। तो मान लो लेजी ने कोई क्रॉप प्लांट किया था, अभी उसे कल्टीवेट नहीं किया है, तभी लीज अग्रीमेंट लेजर कह रहा है कि यस अभी कंप्लीट हो गया, और अगर कोई फॉल्ट नहीं है लेजी का, तो लेजी उस क्रॉप को कल्टीवेट कर सकता है, और अगर लेजी नहीं कर पा रहा है तो ये जो क्रॉप्स हैं किसको जाएंगे, लेजी के लीगल हायर्स को जाएंगे, क्लियर। लास्ट है आपका राइट टू असाइन इंटरेस्ट। जो लेजी है वो लीज प्रॉपर्टी को सब लीज कर सकता है, यानी किसी थर्ड पर्सन के फेवर में अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो इस सिचुएशन में जो भी लेजी के राइट्स एंड लाइबिलिटीज थे अब वो शिफ्ट कर जाएंगे उस थर्ड पर्सन पर, क्लियर। आई होप कि लेजी के राइट्स आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलिए आपके अंडरस्टैंडिंग को और भी इजी करते हैं। हमने जाना कि सेक्शन 108 राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेजर एंड लेजी को डिफाइन करता है, और ये सेक्शन 108 डिवाइड है दो पार्ट्स में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस सेक्शन से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेजर एंड लेजी डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पार्ट ए जहां राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताता है किसका, लेजर का, वहीं पार्ट बी लेजी के राइट्स एंड लाइबिलिटीज को शो करता है। हालांकि पार्ट ए में केवल लेजर के लाइबिलिटीज को ही मेंशन किया गया है, जबकि पार्ट बी में लेजी के राइट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों को मेंशन किया गया है, ठीक है। और हमने जाना कि जो लेजी है इसका लाइबिलिटी लेजर का राइट्स हो जाएगा, क्लियर। अब देखो पार्ट ए सेक्शन 108 क्लॉज ए बी सी ये डिफाइन करता है लेजर का लाइबिलिटीज, क्लियर। और डी से लेकर के जे तक ये आता है पार्ट बी में, और ये कवर करता है लेजी का राइट्स, राइट्स ऑफ लेजी, क्लॉज डी से लेकर के क्लॉज जे तक पार्ट बी में सेक्शन 108 लेजी के राइट्स को कवर करता है, और क्लॉज के से लेकर के क्लॉज क्यू तक लेजी के लाइबिलिटीज को शो किया गया है, जो कि पार्ट बी सेक्शन 108 में कवर किया गया है। और लेजी के यही लाइबिलिटीज लेजर के राइट्स बन जाते हैं, क्लियर। चलिए अब समझते हैं व्हाट आर द लाइबिलिटीज ऑफ लेजी, लेजी के क्या क्या लाइबिलिटीज हैं, क्लियर। तो क्लॉज के कहता है ड्यूटी टू डिस्क्लोज फैक्ट्स,
मान लो लेजी जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन है, अगर उसे कोई चीज मिलता है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से विच में बिकम बेनिफिशियल फॉर लेजर, जो कि लेजर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, तो लेजी जो है वो उसे डिस्क्लोज कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द विश ऑफ लेजी। लेजी चाहे तो उस मटेरियल फैक्ट को लेजर के पास डिस्क्लोज कर सकती है। आपने सुना होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जमीन पे खुदाई करते समय कभी कभी सोना मिल जाता है, या हमें पता चलता है कि यहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर लेजी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कुछ ऐसे चीजें पाता है जो कि लेजर के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है, तो लेजी चाहे तो डिस्क्लोज कर सकता है। अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता है तो वो फ्रॉड के कैटेगरी में नहीं आएगा, जब तक कि लेजर को कोई ना कोई लॉसेस ना हो। मान लो लेजर को कोई लॉस हो गया क्योंकि इस बात को लेजी ने उससे छुपाया, तो लेजर इस कंडीशन में लेजी के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। क्लियर? अब क्लॉज एल, इट इज द ड्यूटी ऑफ लेजी टू पे रेंट अकॉर्डिंग टू रिटन अग्रीमेंट और लोकल यूसेज। ये लेजी का ड्यूटी है कि वो अग्रीमेंट में जो भी रेंट अमाउंट देने के लिए वहां में मेंशन किया गया है उस रेंट अमाउंट को पे करे, और लोकल यूसेज के अकॉर्डिंग अगर रेंट अमाउंट मेंशन किया गया है तो रेंट अमाउंट का पेमेंट करे। ठीक है? क्लॉज एम कहता है ड्यूटी टू मेंटेन प्रॉपर्टी विद केयर एंड ट्रीट लाइक हिज ओन। ये ड्यूटी है लेजी का कि वो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो उसके पास एज ए लीज है उसे अपने प्रॉपर्टीज की तरह ट्रीट करे, उसे नुकसान ना पहुंचाए। क्लियर? क्लॉज कहता है ड्यूटी टू प्रोवाइड नोटिस ऑफ एनक्रोचमेंट टू लेजर। अब मान लो लेजी को यह बात पता चलता है कि कोर्ट में इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ किस कोई प्रोसीडिंग चल रहा है जिसमें कोई थर्ड पर्सन इस प्रॉपर्टी पर क्लेम कर रहा है, या इस प्रॉपर्टी के किसी सर्टेन पार्ट के ऊपर कोई पर्सन क्लेम कर रहा है कि यह प्रॉपर्टी उसकी है, या कोई थर्ड पर्सन इस प्रॉपर्टी पर इंटरफेयर कर रहा है, तो ये किसके अगेंस्ट है? ये लेजर के अगेंस्ट है। तो ये ड्यूटी बनता है लेजी का कि वो इसके बारे में नोटिस प्रोवाइड करे, किसको? लेजर को। ऑलराइट? अब क्लॉज ओ कहता है ड्यूटी टू यूज प्रॉपर्टी विथ रीजनेबल केयर एंड ट्रीट लाइक हिज ओन। ये लेजी का ड्यूटी है कि उस प्रॉपर्टी से जो भी वो यूज ले रहा है वो उस प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी माने, उस प्रॉपर्टी को अपने प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करे। ऑलराइट? और उसका ख्याल रखे प्रॉपर्टी का। क्लॉज बी, लेजी मस्ट नॉट विदाउट कंसेंट ऑफ लेजर कैन बिल्ड एनी परमानेंट स्ट्रक्चर इरेक्ट द प्रॉपर्टी एक्सेप्ट द एग्रीकल्चर पर्पस। अब कह रहा है कि जो लेजी है वो लेजर के कंसेंट के बिना उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर सकता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। अगर प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिया गया है तो ही वो क्या कर सकता है? इन सभी चीजों को कर सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर पर्पस में आप देखते हो कि हमें कई सारे चेंजेस करने होते हैं लैंड पे। ठीक है? तो यानी जिस पर्पस के लिए आपको प्रॉपर्टी एज ए लीज दिया गया है आप उसी पर्पस को फुलफिल करो, आप उस प्रॉपर्टी पर कोई फर्दर स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर सकते हो बिना लेजर के कंसेंट से। आगे कह रहे हैं ऑन कंप्लीशन ऑफ लीज लेजी इज बाउंड टू पुट लेजर इन पोजेशन ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ये ड्यूटी बनता है लेजी का कि जैसे ही लीज अग्रीमेंट कंप्लीट होता है
वो पोजीशन को ट्रांसफर कर दे वापस लेजर के पास। ठीक है, तो ये सभी चीजें, ये सभी पॉइंट्स शो करती हैं लेजी के लाइबिलिटीज को। अब लेजी के यही सारे लाइबिलिटीज लेजर के राइट्स बन जाएंगे। तो आई होप कि ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ लेजर एंड लेजी आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगते हैं और आप चाहते हो कि टीपीए की तरह ही अदर लॉ सब्जेक्ट्स पर वीडियोस बनाए जाए विथ नोट्स एंड एग्जांपल्स, तो टारगेट रखते हैं 1000 सब्सक्राइबर्स और इस वीडियो पर 500 लाइक्स का। अगर आप ऐसा करते हो तो अदर लॉ सब्जेक्ट्स जैसे जुरिस्प्रूडेंस, कंपनी लॉ पे भी वीडियोस बनाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 111 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 111 डिटर्मिनेशन ऑफ लीजेस के प्रोविजंस को होल्ड करता है। यानी इन शॉर्ट इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम उन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो लीज के टाइम ड्यूरेशन को डिटरमाइन करता है। क्लियर। सेक्शन 111 डिवाइड है फ्रॉम क्लॉज ए टू क्लॉज एच और ये क्लॉजेस उन सभी पॉइंट्स को डिस्क्लोज करते हैं जो लीज के ड्यूरेशन को डिटरमाइन करता है। अपने इस वीडियो में हमने राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेजर एंड लेजी को विद नोट्स एंड एग्जांपल्स समझा है। तो अगर आप वीडियो में नए हो तो इस वीडियो को जाकर के देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 111 ये डिवाइड है क्लॉज ए से लेकर के क्लॉज एच तक और ये क्लॉजेस उन सभी प्रोविजंस को होल्ड करते हैं जो लीज के टाइम ड्यूरेशन को निर्धारित करता है। क्लियर। देखो क्या कह रहा है, लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डिटरमाइंस, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो लीज का ड्यूरेशन है वो डिटरमाइन होगा इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके। जैसे क्लॉज ए कहता है बाय एफ्लक्स और लैप्स ऑफ टाइम, अगर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू लीज अग्रीमेंट लेजर और लेजी ने ये डिटरमाइन कर दिया था कि जो लीज का पीरियड होगा वो इतना होगा, एग्जाम्पल 5 ईयर होगा या 10 ईयर होगा या 15 ईयर होगा, तो अगर ये टाइम पीरियड एंड हो जा रहा है तो लीज का जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और लीज विल गेट टर्मिनेटेड, लीज टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीज में एंटर करते समय लेजर और लेजी ने रिन्यूअल के बारे में बात किया था, रिन्यूअल कंडीशंस को वहां पे पुट किया था, तो जो लीज का रिन्यूअल है वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीतने के बाद रिन्यू होता रहेगा। क्लियर। ओके, देखो क्लॉज बी क्या कहता है। क्लॉज बी कहता है ऑन द बेसिस ऑफ हैपनिंग ऑफ सम स्पेसिफिक इवेंट, लेजर और लेजी ने लीज के ड्यूरेशन को मेंशन किया था और जो लीज का ड्यूरेशन है वो बेस्ड है ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफिक इवेंट। तो अगर वो स्पेसिफिक इवेंट फुलफिल
हो जाता है तो लीज का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा एंड लीज विल देन टर्मिनेटेड। एग्जाम्पल, मान लो दोनों ही पार्टीज ने लीज अग्रीमेंट में एंटर करते समय जो पीरियड था वो डिटरमाइन किया था 20 इयर्स और टिल द डेथ ऑफ लेजी विच एवर हैपेंस फर्स्ट। तो कंडीशन ये था कि जो लीज का ड्यूरेशन होगा वो 10 इयर्स होगा या लेजी के डेथ तक इस लीज का ड्यूरेशन होगा। इन दोनों ही कंडीशन में जो पहले कंडीशन फुलफिल होगा तो लीज का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा और लीज अग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। तो सपोज अगर लेजी एक्सपायर कर जाता है बिफोर 10 इयर्स 10 साल से पहले तो भी क्या होगा, लीज अग्रीमेंट एंड हो जाएगा। या ये एक्सपायर नहीं करता है तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 10 इयर्स और 20 इयर्स वॉट एवर मेंशन्ड इन द लीज अग्रीमेंट उस टाइम पीरियड के बीतने के बाद लीज अग्रीमेंट एंड हो जाएगा। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ हैपनिंग ऑफ सम स्पेसिफिक इवेंट। तीसरा, टर्मिनेशन ऑफ लेजर्स इंटरेस्ट। अगर लेजर का इंटरेस्ट ही एंड हो जाए, इफ द इंटरेस्ट ऑफ लेजर गेट्स एंडेड तो भी क्या होगा, लीज का ड्यूरेशन कंप्लीट मान लिया जाएगा और लीज अग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, मान लो ए लीज अग्रीमेंट साइन करता है बी से और बी सब लीज करता है सी को, यानी बी अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहा है सी के फेवर में एंड सपोज बी डाइज, बी एक्सपायर कर जाता है तो यहां लेजर कौन है, यहां सी के रिस्पेक्ट में कौन है लेजर, बी है और बी एक्सपायर कर जा रहा है यानी बी का जो इंटरेस्ट है वही एंड हो जा रहा है। तो टर्मिनेशन ऑफ लेजर इंटरेस्ट, जैसे ही लेजर का इंटरेस्ट टर्मिनेट हो जाएगा एंड हो जाएगा, लीज अग्रीमेंट भी टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर? सो व्हेन इंटरेस्ट ऑफ लेजर, जब लेजर का इंटरेस्ट इन लीज प्रॉपर्टी लीज प्रॉपर्टी में टर्मिनेट हो जाता है फॉर एनी रीजन, इट लीड्स टू टर्मिनेशन ऑफ लीज। क्लियर? अब क्लॉज डी, इन केस ऑफ मर्जर ऑफ टू अनइक्वल इंटरेस्ट। अगर दो अनइक्वल इंटरेस्ट है और वो दोनों अनइक्वल इंटरेस्ट आपस में मर्ज कर जा रहे हैं तो भी लीज एंड कर जाएगा, लीज का ड्यूरेशन कंप्लीट माना जाएगा और लीज टर्मिनेट हो जाएगा। ये जो क्लॉज है, क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 111, ये इस मैक्सिम पे बेस्ड है कि लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट कैनॉट बी द सेम पर्सन एट द सेम टाइम। यानी क्लॉज डी सेक्शन 111 इस मैक्सिम पे बेस्ड है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट कभी भी सेम पर्सन नहीं हो सकते हैं एट सेम टाइम। सपोज ए लैंडलॉर्ड है, क्लियर, बी टेनेंट है, यह है इमूवेबल प्रॉपर्टी, बी इस हाउस में एज अ टेनेंट रहता है, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ए का क्या है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है, वहीं बी का पार्शियल इंटरेस्ट है, बी रेंट पे करता है और ए रेंट कलेक्ट करता है, यानी इन दोनों ही केसेस में दोनों ही पर्सन का
लैंड लॉर्ड का और टीनेंट का इंटरेस्ट क्या है? अनइक्वल है. क्लियर? तो सपोज करो फॉर एनी रीजन मिस्टर ए जो कि लैंड लॉर्ड है, ये अपने इनमूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दे रहा है या सेल कर दे रहा है टीनेंट को. तो जो भी इंटरेस्ट अब तक ये बियर करता था वो ट्रांसफर हो जाएगा किसको? टीनेंट को. एंड इन सच सिनारियो बी पॉसेस सेम इंटरेस्ट लाइक ए. तो यहां पे दोनों ही लैंडलॉर्ड और टीनेंट का जो इंटरेस्ट है वो मर्ज कर गया है. और अगर ऐसा होता है तो जो लीज है, लीज अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा. क्लियर है? तो इन केस ऑफ मर्जर ऑफ टू अनइक्वल इंटरेस्ट, क्योंकि यहां पे ये टीनेंट था, लेकिन जैसे ही लैंडलॉर्ड अपने इनमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल के माध्यम से या गिफ्ट के माध्यम से टीनेंट को ट्रांसफर कर रहा है, टीनेंट के पास भी सेम राइट आ जा रहा है जो कि पहले लैंडलॉर्ड का हुआ करता था. तो इन केस ऑफ मर्जर ऑफ टू अनइक्वल इंटरेस्ट, लीज ड्यूरेशन विल बी कंप्लीटेड एंड दिस अग्रीमेंट विल देन टर्मिनेटेड, टर्मिनेट हो जाए. क्लियर? क्लॉजी एक्सप्रेसली सरेंडर. मान लो लेजी एक्सप्रेसली सरेंडर कर रहा है और लेजर से कह रहा है कि अब वो इस लीज अग्रीमेंट को आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, तो भी लीज का ड्यूरेशन एंड हो जाएगा और लीज टर्मिनेट हो जाएगा. लेकिन व्हेन लेजी हिमसेल्फ सरेंडर्स नॉट टू बी इन कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली यानी बाय वर्ड्स और इन राइटिंग बिफोर टाइम पीरियड, यानी जो टाइम पीरियड मेंशन था किस इनमूवेबल प्रॉपर्टी का लीज जो है इस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, उस टाइम पीरियड से पहले ही अगर लेजी एक्सप्रेसली लेजर को कहता है कि वो अब इस अग्रीमेंट पे नहीं रहेगा, तो भी टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट मान लिया जाएगा और लीज अग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा. क्लियर है? और क्लॉज एफ कहता है implied surrender. Lazy by words या in writing कुछ नहीं कहता है, but अपने action से ये show करता है कि अब वो इस agreement में नहीं बना रहना चाहता है. Example के लिए मान लो tenant इस house का key landlord को ले जाके दे देता है, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि बाय एक्ट टीनेंट वॉन्ट्स टू शो दैट वो अब इस अग्रीमेंट में नहीं रहना चाहता, ही इज नॉट गोइंग टू बी इन दिस कॉन्ट्रैक्ट एनी मोर. ठीक है? तो बाय इंप्लाइड सरेंडर भी लेजी लीज अग्रीमेंट से खुद को एक्सक्लूड कर सकता है. अब क्लॉज जी कहता है बाय फॉरफीचर, लेजर जो है वो लीज प्रॉपर्टी को फॉरफीट कर सकता है कुछ कंडीशंस के बेसिस पे. जैसे मान लो लेजी ने जो भी कंडीशंस एक्सप्रेसली मेंशन थे उन कंडीशंस का ब्रीच किया, उन कंडीशंस का वॉयलेशन किया. ठीक है? दूसरा इनसॉल्वेंसी ऑफ लीज, इनसॉल्वेंसी ऑफ लेजी, लीजी इंसॉल्वेंट हो गया है, ही इज नॉट इन द पोजीशन टू कंटिन्यू द लीज. ऐसे कंडीशन में भी लेजर लीज प्रॉपर्टी को फॉरफीट कर सकता है. तीसरा डिनाइल ऑफ लैंडलॉर्ड्स टाइटल, लेजी उस इनमूवेबल प्रॉपर्टी पर अपना ओनरशिप शो करता है और लैंडलॉर्ड के टाइटल को डिनाई कर देता है. ऐसे कंडीशन में भी लेजर चाहे तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो लीज के तहत है उसे फॉरफीट कर सकता है. क्लियर है? तो बाय फॉरफीचर
और फॉरफीचर में जो लेजर है वो लीज प्रॉपर्टी को फॉरफीट कर सकता है तीन वेज में या तीन कंडीशंस में। पहला, अगर लेजी जो भी कंडीशंस मेंशन है उन्हें ब्रीच करता है, उन्हें फॉलो नहीं करता है। दूसरा, इंसॉल्वेंट हो जाता है। तीसरा, लैंडलॉर्ड के टाइटल को डिनाई करता है एंड रिनाउंसेस हिज ओन टाइटल ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर है? अब अगर लेजर फॉरफीट कर रहा है तो उसे नोटिस देना होगा लेजी को और उन रीजंस को इंक्लूड करना होगा कि क्यों वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को फॉरफीट कर रहा है। क्लियर है? लास्ट है, क्लॉज एच कहता है ऑन एक्सपायरी ऑफ नोटिस टू क्वाइट। मान लो लेजर ने नोटिस सर्व किया था लेजी पर किस पर्टिकुलर डेट पर, तुम्हें क्या करना है, लीज एग्रीमेंट के तहत अपने आप को एक्सक्लूड कर लेना है। तो अगर वो डेट आ जाता है और लेजी अपने आप को एग्रीमेंट से एक्सक्लूड नहीं करता है तो जैसे ही वो डेट एंड होगा, ठीक है, लीज एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ लीज के तहत सेक्शन 111 में हमने क्लॉज ए बी सी डी ई एफ जी एच इन क्लॉजेस के बारे में बात किया। इस सेक्शन को मैंने एकदम सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखने की कोशिश करी। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। थैंक यू।